Friends, we are discussing about design of gantry girder. Step 3. Absolute bending moment in vertical plane on gantry girder. अपन जानते हैं कि लोड लगता है gantry girder पे जिसका स्पान अपन को 8 मीटर दे रखा था क्वेश्चन में. अब टू रेल आर ऑन gantry girder जिनके बीच की डिस्टेंस 3.2 मीटर है. अब अपन इस स्पान को पुट करेंगे गैंट्री गर्डर के मिड पॉइंट पे. कैसे? इन दोनों के बीच के डिस्टेंस 3.2 मीटर है जिसका हाफ अपन लेंगे तो दोनों तरफ 1.6 मीटर होगा. अब 1.6 मीटर का भी हाफ अपन अगर लेंगे तो 0.8 मीटर दोनों साइड होगा. अब इसके हाफ का भी हाफ अपन गैंट्री गर्डर के स्पान के मिड पॉइंट पे पुट करेंगे इस तरीके से. अब अपन मोमेंट कैलकुलेट करेंगे ई पॉइंट पर. एम ई इक्वल्स टू आर ए इंटू 3.2 मीटर. फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट का फॉर्मूला होता है जिससे अपने पास ये आया. अब आर बी की वैल्यू अपने पास नहीं है तो अपन आर बी की वैल्यू निकालेंगे. तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए पॉइंट, समेशन ऑफ एम ए इक्वल्स टू जीरो. तो अब अपन एम ए यानी आर ए पे खड़े होके आर बी की साइड देखेंगे. तो आर ए इंटू 8 माइनस 250.78 इंटू 4.8 डिस्टेंस कैसे आई? 4 तो ये और 0.8 ये डिस्टेंस है तो आया 4.8 माइनस 250.78 इंटू 1.6 ये डिस्टेंस 1.6. कैलकुलेट किया तो 20.62 किलो न्यूटन. अब अपने पास जो आर बी की वैल्यू आई 200.62 वो अपन इक्वेशन 1 में पुट करें. वैल्यू पुट करने के बाद 3.2 से मल्टीप्लाई करने पर 642 किलो न्यूटन पर मीटर अपने पास आंसर आया. अब अपन निकालेंगे इम्पैक्ट मोमेंट. इम्पैक्ट मोमेंट अपन को कोड प्रोविजन के अनुसार दे रखा है कि 25% अलाउंस फॉर इलेक्ट्रिक ऑपरेटिंग क्रेन मूवमेंट ड्यू टू इम्पैक्ट लोड. तो 25% होता है तो 25% निकालना है अपन को मूवमेंट का. 642 का 25% अपन ने निकाल लिया 160.5 किलो न्यूटन पर मीटर. अब अपन सेल्फ वेट ऐड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे पूरा. सेल्फ वेट ऑफ रेल अपन को गिवन है 0.3 किलो न्यूटन पर मीटर और गैंट्री गर्डर का सेल्फ वेट एज्यूम किया जाता है 2 किलो न्यूटन पर मीटर हमेशा. टोटल सेल्फ गैंट्री गर्डर का 2 किलो न्यूटन पर मीटर है सेल्फ वेट. दोनों को ऐड करने पर अपने पास आया 2.3 किलो न्यूटन पर मीटर. फैक्टर सेल्फ वेट 1.5 इंटू 2.3 इक्वल टू 3.45 किलो न्यूटन पर मीटर. अब अपन सेल्फ वेट के कारण जो मैक्सिमम मोमेंट आता है वो कैलकुलेट करेंगे. अपन जानते हैं कि मोमेंट यूडीएल के लिए WL स्क्वायर बाय 8 होता है तो यहाँ पे आया 3.45 इंटू 8 का स्क्वायर अपॉन 8 तो 27.6. अब अपन टोटल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे जो मैक्सिमम सेल्फ वेट के कारण जो मोमेंट आ रहा है वो भी ऐड होएगा, इम्पैक्ट मोमेंट भी ऐड होएगा और जो अपन ने निकाला मोमेंट वो भी ऐड होएगा. तीनों को ऐड करने पर अपने पास आया 830.1 किलो न्यूटन पर मीटर. अब अपने पास स्टेप 4 आती है, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स. इसे सर्ज लोड भी कहा जाता है. इसमें अपन 10% लेते हैं किसका? ट्रॉली का वेट प्लस लिफ्टेड वेट. क्रेन कैपेसिटी या
लिफ्टेड वेट 200 किलो न्यूटन दे रखा था क्वेश्चन में और 50 किलो न्यूटन ट्रॉली का वेट है, उसका 10% अपन ने निकाल लिया 25 किलो न्यूटन।